नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करेंगे कि फरवरी का महीना सब राशियों के लिए कैसे जाने वाला है। फरवरी के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और साथ ही हम निकालेंगे एक गाइडेंस कार्ड आप सभी के लिए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी एरीज जोडिक साइन के लिए फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है। सबसे पहले मैं एरीज के लिए करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो देखिए, करियर में कार्ड्स में जो आया है कि एक तो सबसे पहले ये आया है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं एरीज। आपको अपनी क्रिएटिविटी और टीम वर्क के साथ पूरा महीना अपनी टीम के साथ एसोसिएट होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को साथ मिलके साथ चलना पड़ेगा, तभी आपको बिजनेस में तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही हर्मिट का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि आपको अपने बिजनेस में या अपने काम में थोड़ी सी और पॉलिशिंग की ज़रूरत है। थोड़े से और अपने आप को ब्रशअप कीजिए और अपने आप को और ज़्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश कीजिए। साथ ही अगर आप किसी सीनियर का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कुछ छोटे मोटे इंस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको शायद प्रोफेशनली सूट ना करें या आपको हर्ट करें, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना है लाइफ में और अपना जो एम है उस पर आप काम करते रहिए और बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है एरीज जोडिक साइन वालों को। तो ओवरऑल फरवरी की एनर्जीज ये दिखा रहा है कि आपको अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है, अपने आप को ब्रशअप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स लेनी है तो ट्रेनिंग्स लेने की ज़रूरत है और साथ ही टीम वर्क में आपको काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि एरीज के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए फरवरी का महीना कैसे जाएगा। तो लव एंड रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। देखिए, सबसे पहले तो सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ नया शुरू होने वाला है। अगर आप किसी साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी वो तलाश फरवरी के महीने में पूरी होती हुई नज़र आ रही है और जल्द ही आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। एक टॉवर का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में किस तरह की नेगेटिविटी चल रही थी तो अब समय आ गया है उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने का और एक नई शुरुआत करने का। तो फरवरी के महीने में अब तक पास में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनको ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। जो लोग मैरिज के लिए ढूंढ रहे थे, देखिए उनके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए फरवरी का महीना बहुत शुभ है और उनकी शादी की बात बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे एरीज जोडिक साइन के लिए कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो फाइनेंसेस में जो मैंने कार्ड निकाला है बहुत ही बढ़िया, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि फाइनेंशियली आपका फरवरी का महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आप कहीं से इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो फरवरी मार्च में आपका इंक्रीमेंट भी होता दिख रहा है और अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन लेना चाह रहे हैं या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं कि अगर आपका कोई पास्ट में नुकसान हुआ है तो उसके बारे में प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए और आप जो है पॉजिटिवली आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस कीजिए। आपके देखना फाइनेंसिस धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एरीज के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ के लिए जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, स्टार का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बस रेगुलरली आप अपनी एक्सरसाइज करते रहिए और अपनी रूटीन डाइट को कंटिन्यू कीजिए। साथ ही आपको पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। एरीज कहीं लगता है कि आप शायद पानी कम पी रहे हैं, इसलिए पानी खूब पीजिए और साथ ही अपनी सेहत पे आप फोकस करते रहिए। सेहत के बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो कोई मेजर इशू मेष राशि के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा है फरवरी के महीने में। अब हम निकालते हैं एक गाइडेंस कार्ड मेष राशि के लिए कि फरवरी के महीने के लिए आपकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो गाइडेंस कार्ड्स तो बहुत ही बढ़िया आए हैं। देखिए, एक नाइट ऑफ कप्स आया है और टू ऑफ कप्स आया है जो ये दिखाता है कि आप जो भी योजना बना रहे हैं धीरे धीरे प्लान्ड वे में आप उसकी तरफ आगे आगे बढ़ते जाइए। अपना पाथ आप क्लियरली आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आपका वो पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ ही आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव जाने वाला है फरवरी का महीना एरीज जोडिक साइन के लिए। एरीज जोडिक साइन वाले जितने भी हैं फरवरी के महीने में लगातार यदि आप हनुमान मंदिर जाएंगे और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।